आज साथ खाना खाते हैं। आप सबने हमारे लिए बहुत मुश्किलें झेली, बहुत तकलीफों का सामना किया, उसके लिए हम आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। और गौरव भाई ने हमारे इलाज में जितने भी पैसे खर्च किए हम जल्दी से जल्दी उन्हें लौटा देंगे। पापा जी, दादी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, पार्थ में आने वाली सारी मुश्किलों को हमसे होकर गुजरना होगा। हम हैं पार्थ के साथ, सब संभाल लेंगे। हाय, मैं हूं नितिन गोस्वामी, आप हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पर, ऐसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच। सीक्वेंस अभी पार्थ हॉस्पिटल से वापस आया है और बहुत बड़ा बवाल हो गया है घर में पैसों को लेके। तो फिर अभी पार्थ को लगता है कि अभी उसको पैसे कमाने चाहिए, अब उसको कुछ करना चाहिए लाइफ में, हासिल करना चाहिए, तो बस उसके जद्दोजहद चल रही है। अभी वो इंटरव्यू देगा और देखते हैं उसकी जॉब लगेगी कि नहीं। देखा जा रहा है कि पार तो बहुत मतलब नॉर्मस है और अपने चोट को लेकर और बोल रहे हैं जॉब करेंगे। आदिति आपको सपोर्ट करते हुए दिखी जा रही है, क्या करना चाहेंगे? हाँ, तो वो तो हमेशा से मेरी दीवानी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, तो वो तो हमेशा से, चाहे मैं सही सिचुएशन में हूँ या उसके लिए गलत सिचुएशन में, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। तो अब मुझे जॉब करनी है तो वो मेरा पूरा सपोर्ट करेगी एंड मेरा पूरा साथ हमेशा देगी, उसने पहले भी दिया है। और इसके बीच में फैमिली के कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़े, हमारा भाई हो गया या हमारी चाची हो गई या आजकल हमारी माँ हो गई, तो देखते हैं वो लोग आगे बढ़ने देंगे कि नहीं, या बीच में रोक देंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सीक्वेंस में ये भी देखा गया कि जब पार्थ बोल रहे थे कि मैं जॉब करूंगा, अब सही हो जाऊंगा, फिर डिसाइड कर लिया हूं, तभी उनके भाई गौरव का रिएक्शन बहुत अजीब दिख रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो चाहता नहीं कि मैं आगे बढ़ूं या मैं और मीरा खुश रहें। उसे मीरा से शादी करनी थी और मीरा को मुझसे करनी थी, इसलिए और वो हमेशा से ही मुझे लेके परेशान रहा है कि मैं जेल से वापस क्यों आ गया और लोगों को कैसे पता चल गया कि पायल को उसने धक्का दिया था, मैंने नहीं दिया, तो इसलिए वो हमेशा से मुझसे गुस्से में रहा है। और मीरा से भी उसकी शादी नहीं हुई, तो वो चलते हुए उसको लगता नहीं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे जॉब मिलना चाहिए, इसलिए वो शायद गुस्से में आ गया। फैंस को क्या मैसेज जो इतना प्यार देते हैं आपको और मीरा को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग आर शो, आपको निराश नहीं होने देंगे, बहुत अच्छे अच्छे अभी आगे ट्रैक्स आ रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, आपको खुश करेंगे, आपको दुखी करेंगे, सारे मसाले और मिर्च लगा लगा के आपको अच्छे अच्छे सीन्स देंगे, देखते रहिए हमारा शो। सेट पे सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग पार्ट का किसके साथ? मेरा बॉन्डिंग सबके साथ है, जहाँ मेरे अच्छे सीन्स होते हैं और जिसके साथ बार बार सीन होते हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि दादी के साथ और मीरा के साथ, ऑफ कोर्स मीरा के साथ मेरे बहुत सीन होते हैं एंड दादी के साथ मेरे बहुत क्यूट क्यूट सीन होते हैं जो मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है। मीरा के साथ मेरे थोड़े से इमोशनल सीन्स होते हैं, भाई के साथ थोड़े गुस्से वाले सीन होते हैं, तो अलग सीन्स के अलग अलग मज़े हैं, तो मुझे मेरे काम करने में, हर सीन करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है।